नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मदरसों में क्या बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है? क्या मदरसों में बम गोला बारूद छिपा कर रखा जाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर बिहार के एक मदरसे में धमाका हुआ है जिसने इस सवालों को फिर हवा दे दी है और बीजेपी ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खबर बिहार के सारण से सामने आई। छपरा जिले के मोतीराजपुर के एक मदरसा में जोरदार ब्लास्ट हुआ जिसके बाद ब्लास्ट में दो लोगों के घायल होने की खबर है, जबकि मदरसे के मौलाना इमामुद्दीन की इस घटना में मौत हुई और मदरसे में पढ़ने वाला एक बच्चा नूर आलम भी घायल बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि घटना के बाद उस जगह को धोकर साफ कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे आरोप लग रहे हैं कि सबूतों को मिटाने की कोशिश में यह सब किया गया ताकि धमाके के पीछे की असली वजह सामने ना आ सके। इसलिए अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि धमाके की वजह क्या है। घटना से पहले मदरसे में 12 बच्चे मौजूद थे लेकिन बाद में वहां पर कोई नहीं मिला। अभी FSL की टीम मामले की जांच में जुट गई है। अब मदरसे में हुए इस धमाके के बाद केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने हमला बोल दिया। मैं बार बार कह रहा हूं, बिहार का मदरसा आतंक का अड्डा है और छपरा की घटना वही हो रहा है। पहले भी कहा था, बुड़के की आड़ में लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं और इसे धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मदरसा आज साबित हो गया, एक बार नहीं कई बार साबित हुआ है, लेकिन लालू जी कांग्रेस जैसे लोगों को तुष्टिकरण का चश्मा लगा हुआ है, इसलिए नहीं दिखाई देता। वहीं इस घटना पर ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता अख्तरुल इमाम ने कहा है कि चुनाव में मुसलमानों और मदरसों को बदनाम करने की साजिश है। मदरसे में तो सांप को भी मारने के लिए एक लाठी तक नहीं होती। मदरसे में बम ब्लास्ट एक गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत हो रहा है। जब भी अल्पसंख्यक के साथ कोई घटना होती है तो हमारे बच्चों को ही मुजरिम बना दिया जाता है। खैर, ये तो सियासी बातें, लेकिन ये चिंता की बात है कि जहां दीनी तालीम दी जाती हो वहां बमों और बारूद का क्या काम। इससे पहले भी 2021 में बिहार के एक मदरसे में बड़ा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें मस्जिद से सटी मदरसे की इमारत धराशायी हो गई। तब भी बिहार के मदरसों पर सवाल उठे और अब बीच चुनाव के बीच फिर एक मदरसे में धमाके ने मदरसों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल, आप क्या कुछ कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ राष्ट्र के नाम।